हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेरेंटिंग विद डॉक्टर कृति। आज हमारे साथ है पूजा शैल मेहता, एजुकेटर एंड को फाउंडर ऑफ पी स्क्वायर क्रिएशंस। वो आज बच्चों को सिखाएंगे एक अट्रैक्टिव सा फ्रिज मैग्नेट बनाना। वेलकम। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पूजा मेहता है और आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग क्राफ्टिंग आइडिया बताने वाली हूँ। ये एक ऐसा क्राफ्टिंग आइडिया है जो कोई भी एज ग्रुप इसे फॉलो कर सकता है, छोटे हो बड़े हो, एनी वन कैन डू इट। एंड एट द सेम टाइम ये ऐसा क्राफ्टिंग आइडिया है जिसे आप रिसाइकल कर सकते हैं, जिसे आप रीयूज कर सकते हैं और आप इसे गिफ्ट में भी दे सकते हैं और अपने घर पे भी यूज कर सकते हैं। तो आज दोस्तों हम बनाने वाले हैं एक सीडी फ्रिज मैग्नेट। तो अब मैं आपको बताती हूँ कौन सी चीज़ें आप लेंगे सीडी फ्रिज मैग्नेट बनाने के लिए। तो देखिए, आप इस टाइप का प्रिंटेड पेपर ले सकते हैं, आप चाहे तो प्लेन पेपर भी ले सकते हैं। फ्लावर्स के लिए हम ये पेपर यूज़ करेंगे और इस टाइप का प्लेन पेपर भी हम यूज़ करेंगे, और लीव्स के लिए हम ग्रीन पेपर यूज़ करेंगे। ये सीडी फ्रिज मैग्नेट बनाने के लिए आप अपने घर पे पुरानी पड़ी हुई इस टाइप की सीडी ले सकते हैं, आप चाहे तो छोटी सीडी भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये अवेलेबल है तो मैंने ये लिया। तो ठीक है दोस्तों, चालू करते हैं एक बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट आर्टिकल बनाना। हाँ तो दोस्तों, हम क्या करेंगे, ये जो सीडी है हम ये पेपर पे, जैसे कि मैंने लिया है ये प्रिंटेड पेपर, उस पर आप ट्रेस कर देंगे और पीछे की साइड पे हम ये वाइट पेपर लगाएंगे। तो आप इस तरह से पेंसिल से इसको ट्रेस कर देंगे। देखिए, क्योंकि हम दोनों साइड पे ही, सीडी के दोनों साइड पे हम पेपर्स का यूज करेंगे और यहाँ पे भी हम इस तरह से उसको ट्रेस कर देंगे। तो अब मैंने ऑलरेडी ये चीज़ों को काट के रख दिया है इस तरह से। देखिए, हम आगे की साइड पे ये पेपर लगाएंगे और पीछे की साइड पे हम ये पेपर लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, साथ में आप ये फ्रिज मैग्नेट बनाने के लिए मैंने कोट लिखा हुआ है, इन्जॉय द लिटिल थिंग्स। आप अपने चॉइस का कोई भी कोट लिख सकते हैं, लंबा हो कोट या छोटा सा कोई कोट, इट्स योर चॉइस। आप फोटो भी लगा सकते हैं पर मैंने यहाँ पे कोट लिखा है। और दूसरी चीज़ कि मैं इसके साथ थोड़े से फ्लावर्स और थोड़ी लीव्स लगाऊंगी। तो फ्लावर के लिए हम लोग ये पेपर लेंगे। देखिए, इस तरह से आपको क्या करना है, रैंडमली एक सिंपल सा फ्लावर आपको ड्रॉ करना होगा इस तरह से, और ये पेपर पे भी आप फ्लावर को ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने नीचे की साइड पे प्लेन पेपर लिया है और ऊपर की साइड पे थोड़ा सा प्रिंटेड पेपर यूज़ किया है, छोटा और बड़ा फ्लावर। तो इस तरह से आपको ड्रॉ करके उसे कट कर देना है। ऑलरेडी कट किए हुए फ्लावर्स कुछ ऐसे दिखेंगे जो हम नीचे की साइड पे फिक्स करेंगे। देखिए, मैंने नीचे प्लेन पेपर यूज़ किया है और उसके ऊपर प्रिंटेड पेपर, और इसके ऊपर मैंने ये लगाए हैं फॉर डेकोरेशन। ठीक है, और इसके साथ ही हम ग्रीन पेपर को यूज़ करेंगे लीव्स के लिए। सिंपल सी लीव्स आपको ड्रॉ कर देना है इस तरह से, और आप जब उसको कट करेंगे तो इस टाइप की लीव्स आ जाएंगी, और इसको मैंने पेन से थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया है। तो इतनी चीज़ें चाहिए हमें लगाने के लिए। इसके साथ ही आपको ये मैग्नेट चाहिए जो हम इस सीडी के पीछे लगाएंगे, ताकि आप उसे फ्रिज पे या आयरन कबर्ड पे यूज कर सकें। ठीक है, तो अब हम इसका असेंबलिंग चालू करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम क्या लेंगे, हम लेंगे हमारी सीडी और सिंपल फेविकॉल से हमने जो सर्कल को कट किया था प्रिंटेड पेपर को, उसमें मैं ये फेविकॉल इस तरह से लगाऊंगी और यहाँ पे मैं इसको फिक्स कर दूंगी। देखिए, ऐसे सिंपल है, जो हमने ट्रेस किया था वही पेपर को मैं यहाँ पे लगा रही हूँ आगे की साइड पे, शाइन साइड पे। और अब दूसरी साइड पे ये वाइट पेपर मैंने जो कट किया था वो मैं दूसरी साइड पे लगा दूंगी इस तरह से। देखिए, तो आपका सीडी कुछ ऐसा दिखेगा। इस टाइप का चेकर्ड पेपर बहुत ही प्यारा लगता है, तो आप कोई भी प्रिंट का यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो प्लेन भी यूज कर सकते हैं, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। देखिए, हाथ से एकदम अच्छे से इसको प्रेस करिए ताकि वो परफेक्टली फिक्स हो जाए।
ये बात का ध्यान रखिएगा कि इसके एजेस परफेक्टली फिक्स हो और कहीं से आपका पेपर उखड़ ना जाए, नहीं तो ये बहुत क्लीन नहीं लगेगा। और हाँ, इसके साथ ही आपका कटिंग भी बहुत क्लीन होना चाहिए। तो देखिए, हमारा रेडी करने के बाद सीवी कुछ इस तरह से लगेगा। ठीक है, अब हमने जो कोट लिखा था, मैंने ये कोट को इस तरह से दो पीसेस पे लिखा है। आप चाहे तो उसे रेक्टेंगुलर, सर्कुलर या कोई भी फॉर्म में आप लिख सकते हैं। और ये जो मैंने साइज कट की है वो सीडी के ही साइज की है, कुछ इस तरह से। तो अब हम इस चेकर्ड पेपर पे ये कोट का जो ऊपर का हिस्सा है वो हम सबसे पहले लगा देंगे, कुछ ऐसे। देखिए, इंजॉय द, ये लिटिल थिंग्स है वो मैं थोड़ा साइड से लगाऊंगी। आप जिस तरह से चाहे उस तरह से कोट को फिक्स कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं डायरेक्टली। मैंने अलग से पेपर यूज किया है, ये आप पे डिपेंड करता है और आप जितना क्रिएटिव चाहे उतना आप हो सकते हैं। ठीक है, और अब जो मैंने तीन फ्लावर्स कट किए थे तो वो मैं नीचे की साइड पे लगाऊंगी। ये देखिए, ध्यान रहे हर चीज जो आप फिक्स करें वो बहुत अच्छे से चिपकाए, क्योंकि हम ये चीज को, ये जो चीज हम बना रहे हैं वो हम पेपर से बना रहे हैं। इसके लिए ये मैंने सेकेंड फ्लावर प्लेस किया और यहाँ पे मैंने थर्ड फ्लावर प्लेस किया। फ्लावर्स के साथ लीव्स बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं, तो मैंने ये जो लीव्स कट किए थे अब मैं वो लगा रही हूँ फेविकॉल की हेल्प से। तो ये मैंने ऐसे लगाया, और ध्यान रहे आप जो फेविकॉल लगा रहे हैं वो नीचे की साइड पे लगाइए, थोड़ी ही जगह पे इस तरह से फेविकॉल लगाइए और उसे फ्लावर के अंदर की तरफ यूं फिक्स कर दीजिए। देखिए, ये हमारा जो सीडी फ्रिज मैग्नेट है वो पूरी तरह से तैयार हो गया है। सूखने में सिर्फ थोड़ा ही टाइम लगेगा, हर जगह पे हाथ से आप इसे फिक्स करिए। ठीक है, तो देखिए इस तरह से ये पूरा तैयार हो गया है, ऐसा लगेगा। अब हम ये साइड पे, पीछे की साइड पे ये मैग्नेट लगाएंगे। ये मैग्नेट आपको कोई भी अच्छी स्टेशनरी स्टोर पे मिल जाएगा, पर ये फेविकॉल से या ग्लू से नहीं लगेगा। इसके लिए आपको चाहिए फेवी बॉन्ड, ये भी 10 रुपीज का आता है, तो ये आपको कोई भी स्टेशनरी शॉप पे इजीली मिल जाएगा। बस इसे थोड़ा ध्यान से यूज करिएगा, अगर किड्स हो तो खास करके आप प्लीज अपने पेरेंट्स के गाइडेंस में यूज करिएगा। अब देखिए, इस तरह मैं मैग्नेट की बैक साइड पे इसे यूं लगा दूंगी। ये थोड़ा स्टिकी होता है तो आप ध्यान रखिएगा कि कहीं और ना लगे। और फिर हम इसको जो पीछे की साइड है वहां पे सेंटर में प्लेस कर देंगे। हाँ, ध्यान रखिएगा कि इसे चिपकने में टाइम लगता है, तो आपको इसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। और देखिए, इस तरह से मैंने एक और फ्रिज मैग्नेट ऑलरेडी बना के रखा था, जिससे आप सिंपली यहाँ पे ही लगा सकते हैं। और इसको भी हम लगा देंगे कुछ इस तरह, कितना सुंदर लग रहा है। तो आप जरूर से ये फ्रिज मैग्नेट्स बनाइएगा और अपने जो रिव्यूज है वो कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।